बताइए जैन साहब, कौन सा स्टॉक आज चुना है आपने? बिल्कुल, एक बेहतरीन कंपनी है डायमाइंस एंड केमिकल्स लिमिटेड, और ये कंपनी मेरे जितने भी पैरामीटर्स है, भले वो फंडामेंटल्स हो टेक्निकल्स हो, तो फंडामेंटल्स पे बहुत जबरदस्त चल रही थी कई महीनों से, और मैं दे नहीं पा रहा था इस स्टॉक को क्योंकि ये बहुत ज्यादा चला हुआ था उस टाइम पे ये स्टॉक, और फिर मैं इसके करेक्शन का वेट कर रहा था क्योंकि अनिल जी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कोई भी स्टॉक में घुसने के पहले बहुत जरूरी है। कंपनियां सब बहुत अच्छी है और ये भी बहुत अच्छी, ये तो जरूरत से ज्यादा अच्छी है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि 14-15 के पी मल्टीपल पे है, जीरो डेट कंपनी है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 61%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 42%, डिविडेंड यील्ड इज 2.09%, और अच्छी खासी बात है पिछले 3 साल में जो ग्रोथ दी है इस कंपनी ने वो करीब 70-71% की ग्रोथ प्रॉफिट में है, सेल्स में करीब 25-26% की। और इस कंपनी को मैं एमबीए डेज से जानता हूं, जब मैं 97-98 में एमबीए करता था तो मेरा एक बैचमेट इसमें एक रिसर्च का एक प्रोजेक्ट किया था। जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता था एक स्टॉक के ऊपर आपको इक्विटी रिसर्च करनी पड़ती है, तब यह बहुत छोटी सी कंपनी हुआ करती थी, और बेहतरीन फंडामेंटल्स के बाद अब इसकी देखिए खास बात यह है, ये पायनियर है, एक इथाइल एमाइंस बोल के एक प्रोडक्ट है जिसका ये मान लीजिए कि ये पायनियर है इंडिया में, और कई सारे प्रोडक्ट्स है जिसके ये मैन्यू पायनियर्स मतलब फर्स्ट टाइम इन इंडिया लाने वाली ये कंपनी है। एक छोटी कंपनी देखिए 374 करोड़ की कंपनी, केमिकल्स में ऐसी टाइप की कंपनी आ रही है, हमने देखा कैसे, मैंने इस सीरीज में काफी सारे केमिकल्स कंपनीज पहले भी बताए और वो सब के सब जोर से चल रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली मुझे जो इसके नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं, पिछले 4-5 क्वार्टर से तो एक्स्ट्राऑर्डिनरली अच्छे नंबर्स आ रहे हैं इस कंपनी के, और मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में बिल्कुल इन लेवल्स पे निवेश करें। एक छोटी इक्विटी वाली कंपनी है और अच्छे रिजर्व्स वाली कंपनी है, और सबसे बढ़िया बात है कि इसमें जो ग्रोथ आ रही है वो मैंने बताई दी आपको, और एक इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाते हैं लोग पेपराजाइन एंड्रोहाइड्रस, और ये सारी चीजें एकदम एक्सक्लूसिव है, ये कंपनी बनाती है और बहुत पुरानी कंपनी है, 1976 से कार्यरत है, तो जीरो डेट कंपनी, डिविडेंड पेइंग कंपनी, पुरानी कंपनी, और ऐसे रिटर्न नंबर्स देने वाली कंपनी में मुझे काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है, और मुझे लगता है 470 से 490 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जाए और 6 से 9 महीने की अवधि। ओके, डायनामीज क्या बोलते हैं, डायमाइंस एंड केमिकल्स, डायमाइंस एंड केमिकल्स, ओके, ज्यादा नाम सुनने में नहीं आए तो, लेकिन ये है वो बेहतरीन कंपनी जिस पर आपको करना है फोकस, ये जैन साहब की तरफ से आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक।